बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, सेंट्रल लद्दाख के अंदर जो मुआहदा तय पाया था मॉस्को में और उसके बाद पिछले माह जनवरी के अंदर इंडियन और चाइनीज कमांडर्स के दरमियान, उसके मुताबिक सेंट्रल लद्दाख के पेंगोंग जू यानी के पेंगोंग लेक और गलवान के अंदर जो है विड्रॉल का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और उसमें हमने देखा है कि चाइनीज जो है वो बड़ी स्पीड के ऊपर उन्होंने अपने टैंक्स को वापस बुलाया और एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी जो क्लॉजविट्स कहता है, तो ऐसे लगता है कि वॉर के इसके अंदर जो उनकी पॉलिसी के मकासद थे चाइनीज ने, वो बड़े अहसन तरीके से जो हैं उन्होंने हासिल कर लिए। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन इस चीज़ को मानते हैं कि जो 7 नवंबर 1959 की चाइना की क्लेम लाइन थी, जो कि नेहरू को एक लेटर के थ्रू जो है उस जमाने में चुएन लाई जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भेजी भी थी और नेहरू ने उसका इनकार कर दिया था, चाइना आज भी उसी क्लेम लाइन को मेंटेन किए हुए। और अभी जो मुआहदा हुआ है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये वन साइडेड मुआहदा है जिसके अंदर इंडियन विड्रॉल देखने में आ रही है, लेकिन चाइना जहाँ पर डी एस्केलेशन के लिए कुछ फोर्सेज को वापस ला रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मकाम पर जिन्हें वो क्लेम करता है उसे भी रखता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि चाइना फिंगर फोर तक जो है क्लेम करता था, आज इस मुआहदे के मुताबिक इंडियन आर्मी जो है फिंगर थ्री पे आ गई है, जबकि इंडियन आर्मी फिंगर एट तक पेट्रोलिंग करती थी, अब इंडियन आर्मी फिंगर थ्री से आगे नहीं जाएगी। तो क्या मुआहदा हुआ, इसका क्या रिएक्शन आ रहा है और चाइनीज पॉलिसी क्या रही है, चाइनीज स्ट्रेटजी क्या रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल असद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच बिलाल, आप कैरियर से हैं? सर अल्लाह का करम। सर पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि ये मुआहदा क्या हुआ है, इस मुआहदे को जरा एक्सप्लेन करें कि इसके क्या जो है इम्प्लिकेशंस हैं और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे आप देख रहे हैं, और ये मुआहदा बेसिकली क्या हुआ है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुआहदा क्या है, ये आप यूं समझ लें कि इंडिया की शर्मिंदगी का सामान है सारे मुआहदे के अंदर। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो हाहाकार और जो इस वक्त बिकता पड़ी हुई है और जिस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा है मोदी हुकूमत के ऊपर, स्पेशली नरेंद्र मोदी के ऊपर और साथ ही उनके जो वजीर दफा हैं उनके ऊपर, और वजीर दफा ने जब जिस तरह का बयान भी दिया एक्चुअली दोनों हाउसेस के सामने, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और फिर ओवरऑल अगर इस सारी चीजों को देखते हैं आप, अगर जिस तरह आपने लद्दाख की पूरी बात की है, बिल्कुल पेंगोंग सेक्टर की आपने बात की कि वो एरिया ऐसा है कि जिसके अंदर से कुछ पोर्शन, बिल्कुल आपने ठीक इंट्रोडक्शन के अंदर कवर किया कि उसमें से नेचुरली जो चाइनीज टैंक हैं वो साथ ही अपने उनका बेस है वहां पर चले जाएंगे, और इंडिया ने भी इमीजिएटली अपना जो मूवमेंट जो रोल बैक करना है अपना सारा जो इक्विपमेंट है वो लेके जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मतलब इसमें इन अ वे देखें कि जो नॉर्थ का सेक्टर है उसके ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है, और नॉर्थ का बेसिकली वो सेक्टर है जिसको के डेपसोंग सेक्टर कहते हैं या डेस्पोंग इसका इसका नाम है टू बी प्रिसाइज, और उसके अंदर चाइना इतनी बेहतर लोकेशन के ऊपर है कि वो उसको डोमिनेट करता है इंडिया को, और इवन इस सेंट्रल सेक्टर के अंदर भी मैं इसको कहूंगा, पर नॉर्दर्न साइड पर जब आप चलते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इसको इस लार्जर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं तो बिल्कुल चाइना ने जो उसके अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ थे वो तो उसने कामयाबी के साथ हासिल कर लिए। तो कराकोरम पास को उसने एक लिहाज से प्रिजर्व कर लिया, दौलत बेग ओल्डी का जो एरिया है उसको कैप्चर करना, बिल्कुल वो जिसको कहते हैं वो स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर आप चाइना अपने आप को देखता है, इट दे वॉन्ट टेक एनी टाइम और एक्चुअली उस एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि कराकोरम पास को अगर वो महफूज करता है चाइना, और इसी तरीके से जो आगे फिर ऑपरेशन इंडिया के या जो जिस तरह की मूवमेंट होती थी सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, इवन फॉर दैट मैटर वो भी अंडर चेक आती है। अच्छा, उसी के साथ आप देखें हॉट स्प्रिंग की किसी तरह का गोगरा का जो एरिया है उसका जो सदर्न सेक्टर पे नीचे करके आता है उसका भी किसी तरह का कोई तस्करा नहीं है, सिर्फ जो सेंट्रल सेक्टर है जो पेंगोंग जू कह लें या जू कह लें जो लेक सेक्टर है उसकी एक लिहाज से बात हुई है।
तो एक वो हो गया, और फिर इंडिया को जो बिल्कुल आपने जैसे कवर किया कि पहले तो ये फिंगर 3 to finger 8 तक के एक लिहाज से इनके ट्रुप्स जो है वो पेट्रोलिंग किया करते थे, और ये वहां पर एक लिहाज उनका कब्जा मौजूद था, और अब सिचुएशन ये है कि अब वो फिंगर 3 तक तो मे बी शायद वो आ सके, लेकिन 3 to 8 तक तो वो नहीं जा सके। सो दैट मीन कि वो जिस तरह चाइना की जो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर आप बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो उस तक तो ऑलमोस्ट दे आर देयर नाउ। और एक और चीज बिल्कुल देखे ना, एक बात होती है चाइना इज अ सुपर पावर, और जिस तरीके से उन्होंने क्लेम किया हुआ था जी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से वो आगे नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल उसको उन्होंने एक लिहाज से ख्याल किया है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप ये देखें, आप क्योंकि इस पे तो अब सिलसिले शुरू होंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें जीत किसकी है, तो मैं रफली इसको अगर आप देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जब गवर्नमेंट टेक ओवर की इंडिया की, मैं पहले उनके टेन्योर की बात कर रहा हूँ, तो विद इन नेक्स्ट 1.5 साल के अंदर वो ऐसा लगा जी कि पता नहीं, वो तो ही इज अ वर्ल्ड क्लास लीडर, और उनको अमेरिका ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरीके से उनको उठाया, और ऐसा लगता था जी कि इंडिया तो अब किसी के काबू में आएगा नहीं, वो तो अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि जब चाइना ने आके दूसरे टेन्योर में आके नरेंद्र मोदी को पकड़ा, तो ये आप कह लीजिए कि वो जो इंडिया ने अपना एक फेक कह लें, या जिसको कहते हैं कि एक ओवर प्रोजेक्टेड, एक फॉल्स किस्म का जो अपना उनका इंटरनेशनल या फिर रीजनल स्टेटस था, उसको तो उन्होंने फारिग कर दिया ना। यानी आप ये देखें कि आज से 1 साल पहले की किस तरह की लैंग्वेज होती थी इंडिया की, और इंडिया जिस तरीके से चाइना के बारे में बात करता था, या उनकी जो मिलिट्री हायरार्की है जिस तरीके से वो बात किया करती थी, टू फ्रंट्स की बात किया करते थे, और जो बिपिन रावत है एक्चुअली वो इसी तरह की राम कहानियां डाल के, तो आज वो उसने टेन्योर अपना 3 साल का एक्सटेंड किया। नो, आप इस सारे प्रोसेस के अंदर वो बेचारे जनरल निरवाने को तो आप परेशान देखते हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये स्टेटमेंट, कभी वो स्टेटमेंट, ही इज अनएबल टू डू एनीथिंग। अच्छा, उसी के साथ अब ये इनका इंडियन चीफ कहता है रावत की तो मौज हो गई ना, लेकिन अब उसी के साथ अगर आप देखते हैं तो जो जनरल नरवाने के हवाले अब इंडियन आर्मी हुई है, तो इंडियन आर्मी का जो हाल हुआ है, दे कुड नेवर इमेजिन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि चाइनीज उनकी इस तरीके से पिटाई करेंगे लद्दाख के सेक्टर में, जबकि वेपन्स यूज नहीं होंगी, और इस तरीके से वो मारे जाएंगे वो ट्रुप सुन के। फिर अब उसने कहना शुरू किया है कि जी हमें तो मेजर थ्रेट वो पाकिस्तान से अब नहीं है, अब हमें थ्रेट जो है वो तो बेसिकली चाइना की तरफ से है, और इसका मतलब ये हो गया कि चाइना ने उनको अंगूठे के नीचे तो ले लिया, यानी उनकी जो इंटरनेशनल रीजनल हैसियत थी उसको एक लिहाज से उन्होंने फारिग कर दिया, डेंट डाल दिया, बड़ा सीरियस डेंट डाल दिया। इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की बात करते हैं अगर, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी आर्म्ड फोर्सेस की है वो इट हैज टर्न आउट टू बी क्वेश्चनेबल, कि भाई दे आर अनएबल टू फाइट आउट। व्हाई? बिकॉज जब आप फाइट करने के लिए तो जज्बा चाहिए होता है ना, कोई कमिटमेंट चाहिए होती है, वो कमिटमेंट तो सिरे से गायब नजर आती है। यानी आप देखें ना, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की, ये गैर कानूनी कब्जा जो है कश्मीर के ऊपर है, वो तो उन्होंने 8 लाख फौज अगर उधर बिठाई हुई है, तो वो तो वो जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके पास तो या तो लाठियां हैं या डंडे हैं या पत्थर हैं, और तो कोई चीज नहीं उनके पास एक लिहाज से देखा जाए तो। सो एक तो ये उसको प्रॉब्लम हुई है। दूसरी चीज ये है, व्हाट चाइना वांटेड कि जी ये जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर का, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी वाली रोड इंडिया ने एक लिहाज से काफी हद तक बना ली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसने डेवलप करना शुरू कर दिया था, चाइना डिडंट वांट दैट लद्दाख सेक्टर के अंदर, वो उसने बिल्कुल तसल्ली के साथ आप कह सकते हैं कि उनको ठंडा कर दिया इंडिया को, कि अब उसके बाद उनकी ये जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि जो चाइना अपनी विल इम्पोज करना चाहता था ना इंडिया के ऊपर, उसने अपनी विल इम्पोज करके 9 महीने में इसका बुरकस निकाल दिया, इंडियन आर्मी का भी, इंडियन गवर्नमेंट का भी, नरेंद्र मोदी का भी, और दाढ़ी बढ़ा के नरेंद्र मोदी ने देखे। एक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई वुड लाइक थोड़ा सा उससे हटके, नॉर्मली जब कोई स्टेट किसी भी मुल्क की होती है और उसका कोई लीडर एक या कोई ओके हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो नॉर्मली उसकी पर्सनालिटी विद इन दैट पीरियड एक ही तरह रहती है, उसका फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। अब ये शख्स आया था, छोटी सी दाढ़ी रखी थी, अब दैट मीन दिस मैन हैज रियली ए स्मॉल आदमी है, छोटा आदमी है, और ही हैज सो मेनी साइकोलॉजिकल इश्यूज कि दाढ़ी उसने कम से कम जितनी पहले तो उसे 4 से 4 मजीद बढ़ा लिया है। नो बेटर ही वुड बी नोइंग इट कि इसके पीछे राज क्या है,
लेकिन जर्नली जो उसको देखने वाले लोग हैं या जैसा कार्टर्स जो देखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दिस मैन हैज सम सीरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के इस उम्र के अंदर आके इस स्टैचर पे बैठ के ये अपने फेस के फीचर्स को ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्टली परेशानी तो होती है ना कि जब जिस तरह उसने अपने अपने सोल्जर्स 40 सोल्जर्स को पुलवामा के अंदर मरवाया, बिलाल साहब ये भी सोचने की बात है ना, मतलब आप देखें ये किस कदर मुजरम तबीयत का ये शख्स है। इसने अपने इलेक्शंस जीतने के लिए, आप इमेजिन करें इलेक्शन जीतने के लिए इसने पुलवामा का ड्रामा रचाया, दो ही इज इन द पावर, बट आप ये देखें कि वो 40 जो सोल्जर जो कत्ल हो गए ना, खत्म हो गए, ठीक है वो कोई नेक काम करने तो नहीं जा रहे थे वहां पर, कश्मीर की अगर आप बात करते हैं तो उनके घर तो उसने फारिग कर दिए ना, वो 40 घर तो एक लिहाज से वो घर के बेचारे बेघर हो गए एक लिहाज से देखा जाए तो। एंड व्हाट यू वांटेड टू अचीव आउट ऑफ दैट कि जी नहीं वो आगे उसको वो मतलब पाकिस्तान पे इल्जाम उन्होंने शुरू कर दी, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय पाकिस्तान, और अब जब सारी चीजें निकली तो आपको पता चला किसके पीछे इंडिया था और नरेंद्र मोदी था, कोई और नहीं था। वो तो एक और इस सब्जेक्ट की तरफ हम चल पड़ेंगे, सो वी कम ओवर टू दिस। अब ये तो शुरुआत हुई है ना, ओके जी फोर्सेस दोनों की सेंट्रल सेक्टर से फर्स्ट कर्नल लद्दाख के पीछे हो गई, अब आगे क्या होना है, नो दैट इज टू बी सीन, आगे ये कैसे चलेंगे, किस तरीके से इन्होंने काम करना है। अब वही बात है ना कि इंडिया बड़ी जिस तरह की मूव होती थी सैचन ग्लेशियर की तरफ, वो तो नो इट इज अंडर द स्टर्न चेक ऑफ चाइना, चाइनीज आर्मी उसको किसी वक्त भी उसके मूवमेंट को चेक करके उसको रोक सकते हैं, सो व्हाट नेक्स्ट नाउ। इसी तरीके से ये बात करते थे कोराकोरम, दो कोराकोरम हाईवे तो बहुत दूर है वहां से, बट कोराकोरम पास की बात करते हैं वहां तो खाने खत्म होगी उनको, उन्होंने चाइना ने सिक्योर किया। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पिछले 9 महीने में चाइनीज रिपब्लिकन आर्मी ने चाइना उसने इनके मुंह पे काले कमल दी, इंडियन आर्मी के भी और नरेंद्र मोदी के भी। नरेंद्र मोदी का मुंह तो वैसे ही पहले जो है ना वो लोगों का खून पी पी के, मुसलमानों का खून पी पी के काला पड़ा हुआ था, वो मजीद काला एक लिहाज से हो गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कैन बी सेड कि ये जो कुछ एक लिहाज से अब इंडिया के साथ हुआ है या नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है। तो बिलाल साहब ये है वो सिचुएशन, ये है वो मुआयदा जो एक लिहाज से हुआ है, और उसके अंदर से अब फिंगर 3 to 8 का कोई तस्करा नहीं है। और जब इसने इवन स्टेटमेंट भी दी राजनाथ ने पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ ओके दोनों हाउसेस का इकट्ठे एक मुश्तरक इजलास था, तो उसके अंदर उसने कहा कि हाँ जैसी सिचुएशन पिछले साल थे अप्रैल में, सिचुएशन विल बी लाइक दैट, ठीक है उसके साथ मैच करती होगी। एंड ही डिडंट से कि नहीं हमारा लॉस क्या क्या हो गया है कि वहां किस तरीके से रेस्पॉन्स पे जो है वो चाइना जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स है वहां पर बैठा हुआ है उसने हमारे ऊपर चेक रखा हुआ है, दूसरी तरफ भी चले जाए तो हॉट स्प्रिंग का किसी तरह का कोई तस्करा नहीं कि नहीं जी ये एरियाज हैं जिसपे हम विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स, उसको अभी 72 घंटे हो गए, उस पर तो किसी तरह का कोई आगे तस्करा चला नहीं। फिर एक और चीज आप देख लें ये इंडिया का ना होता है, ये नॉर्मली इस पूरी दुनिया के निजाम है कि जी हाँ जो थोड़ा सा ओके वेट में या वैसे कोई कमजोर होता है उसको आप दबाने की कोशिश करते हो। आप ये सोचें कि अदर देन द मिलिट्री कमांडर्स मीट इनकी जो 9 हुई है, आप इनके डिफेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई है, इनका जो वजीर खारजा है उसकी 2 मीटिंग्स हुई हैं, जेएस सेक्रेटरी लेवल के ऊपर बेताशा यानी 3-4 के करीब मीटिंग्स हुई हैं, और उसका नतीजा वो मेरा ख्याल है सबके सामने है। और चाइनीज को आपने बिल्कुल मुकम्मल सुकून में देखा, एंड दैट इज व्हाट इट इज। और इसमें मैं समझता हूँ कि चाइना ने एक बहुत बेहतर किस्म का सबक सबको पढ़ाने की कोशिश की है कि लोग क्या उसने किस तरह इंडिया को डील करना है, और वो नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया, उनकी पूरी आर्मी को भी पता चल गया। बिपिन रावत आई एम श्योर कि जो बाकी चीजें और गुजारेगा वो मीडिया से भी छुपता फिरेगा, दुनिया से भी मुंह छुपाता फिरेगा, और निर्वाणे बेचारा जो है ना वो कुर्बानी का बकरा बन गया, वो हर जगह आप जाके उसने सफाइयां देनी होगी, अपने ट्रुप्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। बट यू अंडरस्टैंड कि सारा कुछ तो हो गया एक लिहाज से उनके साथ। और सर्टली सर यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आज एक बड़ी अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी फोर्स मैगजीन के चीफ एडिटर ने, अक्सर मैं उनका जिक्र भी करता हूँ, प्रवीण स्वानी ने, उन्होंने कहा कि जो इंडियन रिटायर्ड मिलिट्री जर्नल्स हैं उन्हें ट्वीट्स या टीवी प्रोग्रामों में चाइना की पीएलए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे इंडियन आर्मी के जो माइंड सेट है उसका पोल खुल जाता है और चाइनीज को ये यानी कि समझ आ गई है कि हम कितने
शैलो किस्म के लोग हैं, इसलिए मेहरबानी करके ये हमारे जर्नैल जो हैं ये टीवी पे ना जाया करें। अच्छा, एक अभी आपने दाढ़ी की बात की थी, ये मैं सवाल उसी के साथ लिंक करूंगा। एक बीजेपी का रहनुमा है, पिछले दिनों ट्विटर के ऊपर बड़ा उसका चल रहा था, उसने एक बयान दिया है कि भगवान जो है ना वो भी मोदी भक्त हैं। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मोदी की जो दाढ़ी जो बेसिकली बढ़ रही है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या फैलाया जा रहा है। सर, ऑन सीरियस नोट, कैलाश रेंज मैंने ना जैसे, फिलहाल सुनिए ना, नरेंद्र मोदी की जो दाढ़ी का मैंने तस्करा किया ना, आप बिल्कुल दुनिया के किसी भी हेड ऑफ स्टेट को देख लें, ऐसे नहीं वो होगा। उसका जो टेन्योर होता है जिसके दौरान वो या प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने लिबास के अंदर, अपने फेस फेशियल के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं लेकर आता। बट ही इज एक्टर सर, बट आपको एक्चुअली ये तो एक फेक पर्सनालिटी वाला मुजरिम आदमी था, एक्टर है सर। और हाँ इंडियन वोटर्स को मुझे ये बड़ी हैरानी होती है, इनका लिटरेसी रेट देखें और नरेंद्र मोदी जैसे मुजरिम को दो दफा उठा के इन्होंने अपना वजीर आजम बना दिया, तो सडनली फिर दूसरे टेन्योर में तक अगले ने दाढ़ी बढ़ानी थी, क्योंकि बाकी काम तो फारग हो गए इसके, तो फौज भी सर फारग है, एयरफोर्स भी फारग है, एयरफोर्स पाकिस्तान से चाय पी के चलेगी, दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग, उनके MiG-29 ऐसे गिरते हैं जैसे किसी को समझ कुछ नहीं आती। सी दिस इज द स्टेट ऑफ देयर मोरल एंड फॉर दैट मैटर अनप्रिपेयर्डनेस, मैं आपसे कहूं प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंट उनके अगर फौज को आप एक लिहाज से ले ले तो, और अपने सर, आप को ये क्लेम करते हैं कि दे आर द बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी। आप इमेजिन करें 75-80 अरब डॉलर सालाना का इन सफेद हाथियों के ऊपर खर्च करके, सी रिजल्ट क्या ये लोग दे रहे हैं, फिर दैट इज द आउटकम। सर मैं यही और सवाल दूसरा पूछ आप रहा हूं कि देखिए फिर वही बात आ जाए। इनके पास एक बारगेनिंग चिप था, कैलाश रेंज, ये हाइट पर बैठे हुए थे, पैंगोंग सेक्टर के ऊपर इनकी डोमिनेटिंग पोजीशन थी। सर इतने घबरा गए कि वहां से यूनिलैटरल विड्रॉल करके इनको नीचे भागना पड़ा। इसका मतलब ये कि चाइनीज जो है उन्होंने इनकी ऐसी वो विल को खत्म किया है। मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कभी भी इंडियन आर्मी चाइना को जो है फेस करने के काबिल रहेगी, जो इन्होंने ये एक सिर्फ एक छोटे से सैंपल से जो एक मैसेज दे दी है, मैसेज को भी और पूरी दुनिया को। बिल्कुल आपने आज रेंज का तस्करा बिल्कुल ठीक किया है, आई रियली एग्री विद यू। हाँ, वो किसी सूरत में उसको इस्तेमाल कर सकते थे, बट स्टिल आई वुड से अगर एक रेंज पे जाके बैठ गए, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हाइट पे है, तो डू यू थिंक कि वो इस हद तक वो पिविटल रोल प्ले करती कि जी चाइना उसके ऊपर खुदा ना खासा कंप्रोमाइज करने पर तैयार हो जाता। नथिंग ऑफ दैट काइंड। देखिए बात सुने, लीडरशिप मैटर्स। आप बिल्कुल कोई भी मुल्क होता है ना, उसके पीछे जो लीडर कौन है वो मैटर करता है ना। ऐसे ही है अगर सर। चाइनीज प्रेसिडेंट को लेकर एंड पिच करें अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी तो फिर चाय की कप ही भर के जो है ना चाइनीज प्रेसिडेंट को पिलाएगा ना, इसके अलावा तो क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, वाकया ये तो हो गया है, लेकिन चाइनीज ने जब ये इन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया था 2019 के अंदर, तो सितंबर में उनका बयान आया था कि हम इस इलीगल डिवीजन को कश्मीर की और इलीगल जो स्टेटस को चेंज जो करने का इसको नहीं मानते। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट यानी कि कुछ ही मंथ्स के बाद ये अप्रैल के अंदर फिर ये लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर झड़पें भी शुरू हो गई। सर अभी ये जो मंडे गुजरा है इस पे पहली दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने फोन किया मोदी को, 2 घंटे तक डिस्कशन हुई, और उसके बाद उसने फोन किया क्या नाम है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी को। और क्या आप समझते हैं कि इसमें रशियंस का तो हमें पता है, इंडियंस के साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन वो बहुत करीब हैं चाइनीज के, इंटरनेशनल प्रेशर को कितना आप समझते हैं जो इंडिया इस यूनिलैटरल जो उसने विड्रॉल शुरू की है और जो अपनी डोमिनेटिंग अपनी पोजीशंस को छोड़ा है, और चाइनीज जो है उनके क्लेम को एक लिहाज से मान गया है, तो इस सब के अंदर आप इंटरनेशनल पावर्स के रोल को क्या देखते हैं? देखिए एक मैं आपसे अर्ज करूँ, इट इज नॉट कि मैं आपसे डिस्कशन को बिल्कुल ही मैं मतलब नॉन सीरियस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सर एक आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि अगर अमेरिका की जो पोजीशन आप कह सकते हैं कि ट्रंप के आने से पहली थी, इट इज नॉट देयर नाउ टुडे। 4 साल का जो वो टेन्योर गुजारा, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट डिपार्टमेंट को जिस तरीके से बेतौकीर किया, पेंटागन को जिस तरीके से बेतौकीर किया, वो भी सारी दुनिया के सामने है। और एक्चुअली इस 4 साल के पीरियड के अंदर लोगों को पता चला कि व्हाट एक्चुअली द अमेरिका इज।
आगे देख लीजिए ना कि आज भी अमेरिका का जो बजट है दिफा का कह लें या ओके साजो दिफाई साजो सामान खरीदने का और उनके जो पेंटागन का सारा एयरफोर्स आर्मी नेवी की बात करते हैं इट इज ओवर 700 बिलियन। सो एक तो ये जरूर जहन में रखिए कि ये शैतान मुल्क है जो कि किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर ये फसाद पैदा करना और दुनिया को तबाह बर्बाद करना इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज की अगर आपके बात करते हैं। अब मुझे यकीन मानिए कि ये जो इंडियंस है ना और इंडियन आर्मी के ऊपर मुझे तरस आता है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज वो जिसको कहते हैं ना कि ये इसको एक फॉर्डर के तौर पे इंडिया को अमेरिका चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ये देखना इट वॉज दैट टाइम जब इंडियन आर्मी के लोग मर रहे थे वहां पर हैंड्स टू हैंड फाइट के अंदर, वेपन्स यूज नहीं हुए थे और 1000 किलोमीटर तक चाइना अंदर आ गया, सारी रात उनकी लाशें पड़ी रही, इंडियन आर्मी कुड नॉट रिट्रीव, अपने जख्मी रिट्रीव नहीं कर सके। आपने कोई किसी तरह की कोई स्टंट स्टेटमेंट सुनी अमेरिका की तरफ से फॉर द चाइना सारा जो कुछ किया है, या कोई आपने ऐसा देखा? उन्होंने 4 स्ट्रेटेजिक वायदे तो किए हुए अमेरिका से, वेर आर दो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स, उनकी वैल्यू, उनकी वक्त एक लिहाज से कह लीजिए। और जब एक वक्त बुरा आया ना, 9 महीने का तो बड़ा बुरा वक्त गुजारा एक्चुअली इंडिया ने, तो उसके अंदर से उसको क्या एक लिहाज से सबक मिला। और अभी भी एक्चुअली नरेंद्र मोदी जैसा छोटा आदमी बाज नहीं आएगा, और उसको क्योंकि अमेरिका, चाहे जो बाइडन की बात करते हैं, जो बाइडन को 50 साल हो गए हैं, वो बहुत ही घाक खिलाड़ी है। मैं आपको बताऊं सियासत का भी और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात का भी और फिर इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज करने का। अगर ओबामा के साथ ये शख्स 8 साल तक जो है वो नायब सदर था और दुनिया के अंदर जो तबाही और बर्बादी स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर हुई है, यस ही वाज पार्ट ऑफ इट, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और यही चीज है कि वो चाइना को दो तरह से एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तो नेचुरली इकोनॉमिकली आप ही कह सकते हैं उसको चाइना को तंग करके मुख्तलिफ तरह के ट्रेड एम्बार्गोज लगा के, और दूसरी तरफ वो कोशिश करेगा कि जी इंडिया को किसी तरीके से ना इस्तेमाल करके, इंडिया को थोड़ी बहुत सपोर्ट दे के वो चाइना के मुकाबले में ला के खड़ा करे। दोनों का कहाँ मुकाबला, दोनों की आर्मी से कहाँ मुकाबला है, चाइना का आर फॉर दैट मैटर इंडिया का। और यकीन मानिए अगर आपको याद हो पिछले दिनों इवन इंडियन आर्मी चीफ ने धमकी दी थी चाइना को कि ये हम देख लेंगे एंड वी अंडरस्टैंड कि हम टू फ्रंट वॉर कैसे लड़ते हैं। और टू फ्रंट वॉर को तो छोड़ देना, जो सिंगल फ्रंट वॉर थी उसके ऊपर इनको इतने जूते पड़े और मुंह काला हो गया, तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर ये दूसरा फ्रंट खुलता। हम तो वैसे ही बहुत सारे इनसे हमने हिसाब किताब बराबर करने हैं 20 साल से। मैं समझता हूँ कि इन्होंने दहशत गर्दी जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है और पाकिस्तान को जो ब्लीड किया और उसी के अंदर से पाकिस्तानी फौज और कौम सुरखरू होकर निकली है और जिस तरीके से बैटल हार्डन हमारी फौज है, तो वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि लेट इंडिया कम, कि जरा आए तो सही एक दफा ना, तो फिर उन सारे जो उनके हैं ना वो बहादुर, वो उनको हम देख लेंगे कि उनके साथ एक्चुअली हम करते क्या हैं। यकीन मानिए आप, उनके साथ हमने बहुत सारे हिसाब जो है वो चुकता करने हैं हमने। सर असल में मैं जहां तक समझूं ना तो वो एक बड़ी जबरदस्त किताब है, मैं सारे जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज के स्टूडेंट्स उनको रिकमेंड भी। एक मिनट पॉज लीजिएगा, मैं बात कर रहा था कि एक किताब है जो मैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो हमारे व्यूअर्स हैं स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे उनको रिकमेंड करूंगा, 33 Strategies of War। उसमें राइटर कहता है कि जब एक फौज जो है उसके पास तादाद ज्यादा हो और गैजेट्स के ऊपर वो एतबार करने लग जाए, जिस तरीके से इंडिया का हमने देखा राफेल के बारे में उन्होंने पता नहीं उसे एक महात्मा कोई जो है हथियार बना दिया, तो उसके अंदर जो है ना जो जिसको स्वानी कहता है कि इंडिया मिलिट्री पावर नहीं है, मिलिट्री फोर्स है, और फिर खुद कहता है कि मिलिट्री फोर्स जो होती है ना उसके पास सोल्जर्स होते हैं, हथियार होते हैं, लेकिन मिलिट्री पावर वो होती है जिसके पास जो है आर्ट और जो साइंस ऑफ जो प्लानिंग है, टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजी है, उसको जानती है। तो पाकिस्तान को वो कॉम्प्लीमेंट देता है कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री फोर्स है क्योंकि इसमें जनरलशिप है, जनरल जो है वो काबल है, जबकि इंडियंस का आपको भी एक उसकी ट्वीट का बताया उसमें वो चीज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जिस तरीके से किसानों से बेइज्जती उठा रहा है ये, जिस तरीके से इकोनॉमी खराब हो रही है और जिस तरीके से
बाइडन इंतजामिया की तरफ से अभी से स्नब मिल रहा है कि सबसे आखिर में इस जो हफ्ता अभी गुजरा है इसमें उसने बात की। अब इंडिया अपना ये सारी फ्रस्ट्रेशन एक और जगह पे निकालने की कोशिश कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर, और यहाँ से भी वो शर्मिंदगी उठाने की कोशिश करेगा। आप कैसे देखते हैं? ऑलराइट, बड़ा आपका ना एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक मिलिट्री फोर्स की, मिलिट्री पावर की, और क्योंकि मिलिट्री पावर ठीक है, एक तो आप कह सकते हैं जी कि इक्विपमेंट के साथ भी बेसिकली आती है, लेकिन इक्विपमेंट के साथ साथ आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बिलाल, एक तो आपका ये इज अ फुली लोडेड क्वेश्चन, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपने मेरा ख्याल है सवाल किया। एक तो ये जरूर मैं कहूंगा आपसे, यस नॉट दैट आई हैव बीन सर्विंग इन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की मैं बात करता हूँ, यस देर इज नो मैच टू पाकिस्तान आर्मी एंड द इंडियन आर्मी, बिल्कुल हकीकत में मैं आपसे बता रहा हूँ, तादाद साइड पर कर दें, यस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जो मुसल्ला अफवाज हैं वो वाकई दे आर द मिलिट्री पावर, दे आर द आर्म्ड फोर्सेस पावर, इसमें कोई शक नहीं है, और इंडियन आप फोर्स तो उनको कह सकते हैं, वाई बिकॉज उस इक्विपमेंट आपको चाहिए होता है, इक्विपमेंट के साथ आपके पास साथ पीछे वो मजबूत लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का पीछे होना जरूरी है, अपने ट्रुप्स के साथ इंटरेक्शन साथ होना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और फिर उसके साथ वो जो एक जज्बा होता है, वो एक कमिटमेंट होती है, जो जिसको आप कहते हैं कि आपको एक सर्वाइवल का एक जो जुनून होता है, और फिर आपने बहुत सारे हिसाब किताब चुकता करने होते हैं, तो इसका बिल्कुल किसी तरह का कोई कंपैरिजन हकीकत में आपको बताऊं कि ये नहीं। जो आपने पिछले 20 सालों से इंडिया को देखा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हुए, डू यू थिंक कि क्या हम उसको भूल सकते हैं? हमारे वो मासूम बच्चे क्या समझते हैं कि हमारी आंखों से कभी जिंदगी में वो जो रो सकते हैं, वो हमारे वकला, वो हमारे बहन भाई जो जिसका कोई कसूर नहीं था, और वो इस दहशत गर्दी की भेंट इस इंडिया ने चढ़ाया, वो तो सच्चा सच्चा आई वुड से के मतलब एक ऐसा खूंखार मुल्क, एक ऐसा खूंखार दरिंदा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इंडिया इज, एंड दे क्लेम देमसेल्व्स कि नहीं जी हम दुनिया की बहुत ही बड़ी जमहूरी कुवत है, लानत है ऐसी जमहूरियत के ऊपर के जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जैसे छोटे लोग जो हैं और वो खूनी दरिंदे जो हैं इस मुल्क को रूल करते हैं, एंड ही इज द वन के जिसने 2002 के अंदर भी लोगों को, आप सोचे कैसा क्रिमिनल माइंडेड आदमी है जो इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कि उसने मुसलमानों को, हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया गुजरात के अंदर व्हेन ही वाज़ द चीफ मिनिस्टर, और अमित शाह उस वक्त वजीर दाखिला था उसके साथ, और वो शैतान आदमी आज भी इसके साथ वजीर दाखिला है इंडिया का। सी दैट इज व्हाट दिस सिचुएशन इज। अगली चीज बात से आप करते हैं, बिल्कुल इस वक्त जो इंडिया के अंदर कोई किसी तरह की भी कोई चीज कंट्रोल में नहीं है नरेंद्र मोदी के, चाहे उसकी इकोनॉमी की बात करते हैं, चाहे कोरोना की आप बात करते हैं, किसानों की बात करें, 19 माइंड यू 19 बड़ी एक्टिव तहरीकें इस वक्त इंडिया के अंदर चल रही हैं। आप ये देख लें, वो सेवन सिस्टर्स की जो ऊपर हम बात करते हैं वो तो कहानी एक लिहाज से अलग है ना, उससे हट के 12 तहरीकें और एक लिहाज से चल रही हैं, फिर उसी के साथ किसानों के साथ एक लिहाज से जो कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ तरह के कवानीन जिस तरीके से वजह किए जा रहे हैं, खालिस्तान की मूवमेंट मेजर है, आप कश्मीर के मूवमेंट को देख लें, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक लिहाज से आप बात करते हैं, यू नेम एनीथिंग एंड इट इज बेसिकली देयर, और फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो है मजहबी जनूनियों की हुकूमत है, आरएसएस की, शिवसेना की, बजरंग दल की एक हुकूमत है इस वक्त जो इंडिया को रूल कर रही है, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक, आप कहें कि नहीं किसी तरह की जमहूरी हुकूमत है, तो ऐसी हुकूमत के होते हुए और इस तरह के आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल है नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं कि इंडिया को किसी तरीके से कोई बेहतर कदम उठा सकता है। अब मुझे आज भी याद है When he took over as Prime Minister, पहली दफा की मैं बात कर रहा हूँ, उसने कहा जी मेरी सबसे पहली तरजीह ये होगी कि मेरे जो नेबर्स, मेरे जो पड़ोसी हैं सबसे बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, नेबर्स फर्स्ट, एक एक नेबर को चुन चुन के इस दरिंदा शख्स आदमी ने परेशान किया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तो सिंस 1947 they have not been able to swallow कि जी पाकिस्तान को किसी तरीके से एक्सेप्ट करें, आपकी ये तो हाल है इनका, जो कुछ कश्मीरियों के साथ ही कर रहे हैं, आप ये देखें ना कोई 80 लाख से ज्यादा कश्मीरी हैं और 5 अगस्त 2019 से जिस तरीके से उन्होंने कैदोबंद की सौगतों के अंदर एक लिहाज से उनको रखा हुआ है, ओपन
जेल के कन्वर्ट कर दिया ना पूरी वैली को, कोई जाके तो दिखाई जरा कश्मीर के अंदर, मतलब कांग्रेस के जो उनके अपने लीडर्स है वो नहीं जा सकते, व्हाट टू टॉक ऑफ एनीबॉडी एल्स। सो दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया। और ये मैं जरूर आपसे कहूँ कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब इस तरह के लोग आके रूल करते हैं किसी मुल्क, लीडरशिप क्वालिटीज तो है ना नरेंद्र मोदी को, मैं मुझे कहीं इज अ लीडर नो, इसको जो मामू बनाना था ना वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने या यूके ने, वो बड़ी तसल्ली के साथ बनाया, बड़ा ठीक ठाक माल उन्होंने बेचा, बड़ा ठीक ठाक माल कमाया और बनाया उन्होंने इंडिया से। नो बेसिकली अब इंडिया वाले अपने जख्म चाटें, वो वोटर्स को अपने जख्म चाटने चाहिए कि जो कुछ आप दूसरों के लिए सोचते हैं वही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है, और nobody else is doing it is they themselves। क्योंकि जब आप किसी के लिए ज्यादती करते हैं, जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो उसके अंदर किसी ने खुद भी गिरना होता है। दैट इज एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग बेसिकली विद नरेंद्र मोदी एंड विद हिज वोटर्स। ये कुछ आप देख रहे हैं, देखे ना हम भी तो पड़ोस में है ना इंडिया के, आप जरा ज्यादा दूर ना जाइए, कोरोना का मार्जिन, कोरोना की जिस तरीके से शिद्दत है इंडिया के अंदर एंड पाकिस्तान के अंदर तो फर्क साफ जाहिर है ना। तो एक अल्लाह की पकड़ तो में तो आए ना ये लोग। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। फिर वही सवाल आपसे करूंगा कि इतनी शर्मिंदगियों के बाद, इसके बाद शर्मिंदगी से निकलने का इसका एक ही तरीका है कि कश्मीर के मामले में जो फॉल्स फ्लैग का हमारी लीडरशिप कर भी रही है, डू यू थिंक कि इसके बाद चाइना से शर्मिंदगी उठाने के बाद क्या कोई वो पाकिस्तान की तरफ तो कोई यानी कि हरकत की कोशिश तो नहीं करेगा? मैं समझता हूँ कि ये अभी कुछ भी कर ले, हम तो एक्चुअली सच में कह रहा हूँ, अगर मैं बीइंग अ रिटायर्ड ऑफिसर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी यस वी आर वेटिंग फॉर देम, ये कुछ करें तो सही ना, ठीक है ये कुछ करें, देखें इनके साथ होता क्या है बिलाल साहब, यही तो है सारा सिलसिला, दिस इज द थिंग एक्चुअली विच वी आर वेटिंग फॉर। आज भी आपसे कह रहा हूँ, आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा कि नहीं हम इंडिया पे अटैक करने जा रहे हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि नहीं वी हैव द एग्रेसिव डिजाइंस अगेंस्ट इंडियंस, इट इज ऑलवेज बेसिकली इंडिया। आप देख लें उनकी सारी स्टेटमेंट्स को देख लें, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ले लें, उनके डिफेंस मिनिस्टर को ले लें, फॉरेन मिनिस्टर को ले लें, उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लें, प्राइम मिनिस्टर खुद वो कहता है जी कि नहीं बांग्लादेश बनाने में तो हम आपके साथ थे, हमने आपके साथ मुक्ति बानी के जरिए एक लिहाज से काम किया। व्हाट आर यू टॉकिंग, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये ऐसे पड़ोसी हैं, ये अपने आप को कहते हैं जी कि नहीं हम तो बड़े अहिंसा के पुजारी हैं और हम ये हैं और हम वो हैं और हम अमन के मतलाशी हैं। सी व्हाट दे हैव डन बेसिकली इन दिस रीजन। और आप सोचिए ना कि अगर इस मुल्क के अंदर 60-70 करोड़ लोगों को मतलब रफ हाजत के लिए घर के अंदर लैटरिन नहीं और ओपन खेतों के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन 80 अरब डॉलर उन्हें अपनी फौज पर खर्च करना है, क्योंकि ना खुद सुकून में रहने देना है ना अपने पड़ोसियों को सुकून में रहने देना है। हम तो सुकून में बिल्कुल रिलैक्स, वाई बिकॉज हमारे मुजाहिद हवाओं में भी हैं, फिजाओं में भी हैं, जमीन पे भी हैं और समंदरों में मौजूद हैं, इनकी आंखों में आंखें डाले हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेंटेनेंस ऑफ एम जो है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, और हम देख रहे हैं कि 1959 से चाइना अपने उस एम को मेंटेन किए हुए है, और इंडियंस खुद मानते हैं कि 62 की वॉर के अंदर भी चाइना ने अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो उनकी एक परसेप्शन है उसको पार करना जो है ना, उसमें एक इंच भी वो आगे नहीं आए और अपनी टेरिटरी के अंदर ही रहे। अब मसला ये आ रहा है कि इंडियन एक माइंडसेट बन चुका है कि ये हर एक से लड़ना चाहते हैं और इनकी फौज हर एक को अपने से कमतर समझती है, और इसीलिए प्रवीण सवानी ने भी यही अपने जनरलों को कहा है कि आप काइंडली बोला ना करें क्योंकि आपके बोलने से हमारे पोल खुल जाते हैं। तो देखें आगे क्या होता है, चाइना अपनी जगह पे बैठा हुआ है। और एक और मैं बात करूं, ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चाइना 59 से लगातार कह रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही है जो 7 नवंबर को ट्विन लाई ने जो भेजी थी, जिसका मैप भेजा था नेहरू को। और अगर अब जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हमने देखा पिछले साल भी यही जो हिंदुस्तान टाइम्स को जवाब दिया गया और उसके बाद इनकी मिनिस्ट्री ऑफ चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी यही कहा कि 79 की जो 59 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा कोई एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। अब एक इलेक्शन इंडिया में आ रहे हैं, आप जानते हैं कि बंगाल के अंदर, तो कहा जा रहा है कि म्यूचुअल विड्रॉल हो रही है। ये म्यूचुअल विड्रॉल नहीं हो रही है, चाइना अपने मौकफ से ना 62 में हटा था, ना वो 89 में हटा था, ना वो अभी हटा है।
ये सिर्फ एक प्रिसेप्शन दी जा रही है ताकि इलेक्शन जीता जा सके, लेकिन इलेक्शन जीत के और बेड़ा गर्क ही करना है ना मोदी साहब। इसलिए अमन की तरफ आए, चीजों को समझें और इंसानों की तरह चलें। एंटिल नेक्स्ट तक दिया, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।